like that? A valiant effort by the men in green. They led the table the entire time this season, falling agonizingly short. But what a wonderful tournament they've had. He's going to go now join Ramiz Raja to unpack what was an incredible season for the Multan Sultans once again. Thank you, Rizwan. Hard to put into words what a season it's been, but he's going to try and do just that with Ramiz Raja right now. Mera mic ismail hoga, Rizwan. मोहम्मद रिजवान का ये कारनामा हर एक की ज़ुबान पर आम है कि मोहम्मद रिजवान ने मोहसिन नकवी से इनाम लेकर फेंक दिया। इधर मोहसिन नकवी इनाम तकसीम कर रहे थे, दूसरी तरफ रमीज राजा प्लेयर से इंटरव्यू ले रहे थे। मोहम्मद रिजवान ने जो मोहसिन नकवी से इनाम वसूल किया, इसे वाकई ही फेंका, जो सोशल मीडिया पर चर्चा बरपा हुआ है। यह सब बातें हैं, मीडिया ने इस बात को इतना उछाला कि मोहम्मद रिजवान को आकर बताना पड़ा कि असल में वकूआ हुआ क्या। मोहम्मद रिजवान आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से मिले मोहसिन नकवी से, जिस तरह मोहम्मद रिजवान की आदत है और वह हर किसी से इसी तरह खुश मिजाजी से मिलते हैं। इनाम वसूल करने के बाद इन्हें सीधा रमीज राजा के पास जाना था इंटरव्यू देने के लिए, इसलिए प्लेयर इनाम रख देते हैं या कार्ड किसी तरफ फेंक देते हैं। इस तरह मोहम्मद रिजवान ने जल्दी में वो इनाम एक तरफ फेंका और इंटरव्यू के लिए चले गए, लेकिन लोगों ने इसे गलत रंग दे दिया। दोस्तों, जो भी हुआ, कम से कम क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, और यही चीज़ मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया पर आकर खुद बताई जो आपको बयान की गई है। दोस्तों, कम से कम क्रिकेटर्स को सियासत से दूर रखना चाहिए। एक ही खेल है जिस पर हमारी कौम एक है, जिस पर इस पर भी तकसीम की कोशिश की जा रही है, लिहाजा इस चीज़ों से प्लेयर्स को बालातर रखना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नई अपडेट के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।